नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की बड़ी कार्रवाई की ओर। आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर बगरू थाने ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने मिलावटी डीजल सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाने के पास में और 50 काम, जरूरत है समस्या की गंभीरता को देखते हुए कि एक टीम लगातार 24 घंटे बिना रुके अवैध हथियारों का पीछा करे, और ऐसी 5 टीमें लगातार ये काम करेंगी, चारों जिले की, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की DST और साथ में सेंट्रल सीस्ट, आपस में समन्वय, उसमें जहां भी थाने की इन्फॉर्मेशन है या जहां थाने को कार्रवाई है करनी है वहां थाना भी उसमें कार्रवाई करेंगे। उनको भी ये निर्देश दिए गए, जिसमें 2 बहुत बढ़िया शानदार फिनिश के कंट्री मेड पिस्टल्स हैं, 6 देसी कट्टे हैं और 103 कारतूस इन्होंने बरामद किए हैं, और साथ में इनके साथ जो 2 मेन मुलजिम थे जो बाहर से हथियार ला कर के जयपुर में सप्लाई कर रहे थे UP के, मोहम्मद सलमान और हामिद खान, उनको भी CST टीम ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा आप यहाँ भी कार्रवाई की है, सबके धरपकड़ में 6 हथियार बरामद किए हैं, वो साउथ जिले के अलग अलग थानों में कार्रवाई की है जो आपके इस प्रेस नोट में इसका वर्णन है। DST ईस्ट ने भी, पूर्व जिले ने भी इसमें कार्रवाई की है, एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, उससे देसी कट्टा बरामद किया है। ऐसे सांगानेर में भी एक कार्रवाई हुई है, ईस्ट जिले में 2 कार्रवाइयाँ हैं और पश्चिम जिले में भी कार्रवाई है, यहाँ भी 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा करके उनसे हथियार बरामद किया। उस क्राइम में अपराध को कारित करने के लिए फायर आर्म्स के यूज करने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है, और उसको देखते हुए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, वो पब्लिक डोमेन में है, आप लोगों की भी जानकारी में है कि इस तरीके की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और बढ़ती हुई प्रवृत्ति पे अंकुश लगाना और कुचलना ही इस ऑपरेशन का उद्देश्य। DCP और ACP SHO की टीम बनाई गई, उन्होंने तलाश करी नेशनल हाईवे पे एक लोडिंग टेम्पो जिसमें 4 ड्रम भरे हुए थे, वो एक ट्रेलर के अंदर पाइप से डीजल को डीजल टैंक में ऑयल खाली करते हुए मिला। मौके पर जाके उनको पकड़ा गया, इंटरसेप्ट किया गया, तो पूछा तो बताया, जब मालूम चला कि डीजल पाइप से ट्रेलर के अंदर उसके फ्यूल टैंक में भरा जा रहा था, तो मौके पर जो लोडिंग टेम्पो के ड्राइवर उसके साथ गुजर से उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने में मालूम चला कि ये बगरू रिको इलाके के अंदर एक फैक्ट्री है, वहाँ से इसको लाया गया है, तो प्रारंभिक तो शक हुआ कि निश्चित रूप से कहीं ऐसा तो नहीं कि डीजल नकली डीजल लाया जा रहा हो। तो उसी समय जो लोडिंग टेम्पो के ड्राइवर थे, 2 जने साथ में थे, उनके जाके डीजल रिको एरिया के फैक्ट्री पर दबिश दी गई, चेक किया गया, तो वहाँ जाते ही जिस तरह की पहले कार्रवाई की गई थी और उसी चोमू के जैतपुरा में जो डीजल की नकली डीजल की फैक्ट्री मिली गई थी, उसी प्रकार की फैक्ट्री वहाँ चलती पाई गई जिसमें बॉयलर वगैरह लगे थे और ऑयल से मिलावट करके नकली डीजल बनाया जा रहा था। तो इस कार्रवाई में अभी फिलहाल 3 जन और इसमें अभी और कार्रवाई जारी है, पूछताछ की जा रही है। मोटे रूप में जानकारी में आया कि इस तरह के और भी नकली डीजल बनाने की फैक्ट्रियाँ चल रही है, जिसको डीजल को न केवल चोरी छुपे ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि हाईवे के ऊपर भी सीधे ट्रकों के अंदर सप्लाई किया जा रहा है। तो ये संभव बिल्कुल है कि ट्रक ड्राइवर को पता है कि नकली डीजल है, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर भी ट्रांसपोर्टर को अपने मालिकों को उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं और नकली डीजल भरवा करके असली डीजल की कीमत वसूल कर रहे हैं। तो ये कार्रवाई की गई है, इसमें भी जारी है। दूसरा, 2 दिन पहले जयपुर बाईपास के ऊपर BKI थाना क्षेत्र के अंदर एक ट्रक चोरी की घटना हुई थी जिसमें जिंक स्क्रैप और कुछ अन्य सामान भरा हुआ था, मुकदमा दर्ज किया गया। आज अभी थोड़ी देर पहले ही थानाधिकारी जो उनकी टीम है उन्होंने कार्रवाई करते हुए ट्रक को मय माल और मय मुलजिम के बरामद कर लिया, जिसमें अभी पूछताछ जारी है, माल पूरा उसमें बरामद हो गया। सर कितने का माल? सर जो ट्रांसपोर्टर था वो नहीं दे पाया था ट्रक का मालिक, क्योंकि कुछ अलग अलग ट्रांसपोर्टर उसका माल था, लेकिन निश्चित रूप से काफ़ी इसमें महंगा और काफ़ी कीमती माल। लोडिंग टेम्पो में ड्रम रखे हुए थे, ड्रम से डीजल भरा जा रहा था, तो प्राइमो फेसी तो ये दिख ही रहा था कि आए तो या तो ये चोरी का है, अवैध रूप से है, या चोरी करके लाया गया है, या इलीगल एक्टिविटीज स्पष्ट दिख रही थी। चूँकि पहले ऐसी घटना हो चुकी है जब नकली डीजल बन रहा था, तो इसी शक के आधार पर ये उसको माना गया कि चोरी का डीजल है या नकली डीजल है। पूछताछ की गई तो पूछताछ उन्होंने बताया कि ये हम फला फैक्ट्री से लेके आए,
और इमीडिएटली जाके फैक्ट्री में दबिश दी गई तो स्पष्ट हो गया कि ये डीजल नकली है जो फैक्ट्री के अंदर ऑयल से और कुछ अन्य पदार्थ से मिश्रण करके बनाया जा रहा था। मार्केट में डीजल वाले वो अभी बाहर नहीं अभी तक। इस खबर बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़19। नमस्कार।